हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ कि हमारे अन ईवन स्किन टोन का क्या कारण होता है। जी हाँ, कुछ छोटी छोटी सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, चीज़ें होती हैं जिन्हें डे टू डे लाइफ में हम इग्नोर कर देते हैं और वो आगे जा कर के हमारे अन ईवन स्किन टोन का कारण बन जाती हैं। और यही बात होती है जो हमें आगे जा कर के बहुत ज़्यादा परेशान करती है, क्योंकि अन ईवन स्किन टोन को हमें हाइड करने के लिए मेकअप का सहारा लेना पड़ता है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर आप अपने स्किन को फ्लॉलेस रखना चाहते हैं, हेल्दी रखना चाहते हैं, तो ये जो छोटी छोटी सी डे टू डे लाइफ में मिस्टेक्स होती हैं, इनको आपको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जो हम कर रहे हैं, जिसकी वजह से अन ईवन स्किन टोन का हमें सामना करना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में इसी बारे में पूरी डिटेल। अगर आपके लिए जरा सा भी हेल्पफुल रहे वीडियो, तो इसे जानने से पहले लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। अगर कोई इस तरीके की प्रॉब्लम से डील कर रहा है, तो स्पेशली टीनएजर्स के साथ में ये वीडियो जरूर से शेयर करिएगा, क्योंकि वही ऐसे टाइम होता है जब इस तरीके की प्रॉब्लम से सबसे ज्यादा डील कर रहे होते हैं और वो ऐसी छोटी छोटी सी गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से आगे जाकर के उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स सामना करना पड़ सकता है। सो डेफिनेटली शेयर जरूर करिएगा। अगर पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर हिट कर दीजिए। बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ और जानते हैं अन ईवन स्किन टोन के कारण। तो अन ईवन स्किन टोन के बेसिकली 6 कारण होते हैं। जो सबसे पहला और कॉमन कारण है वो है एक्ने। जी हाँ, जहाँ सीजन चेंज होता है, या फिर ऑयली स्किन वाले हैं, या फिर बहुत ज़्यादा आपके डाइट में आपने ऊपर नीचे किया है कुछ, तो एक्ने पिंपल जैसी समस्या हो ही जाती है। उस टाइम पे आपको उसको ट्रीट करना बेहद ज़रूरी होता है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या होते हैं, उसको निकालना शुरू कर देते हैं। उससे क्या हो जाएगा, वो एक से दूसरा फैलता जाएगा, और अगर उसके फैलने के बाद फिर उसके निशान पड़ जाएंगे, निशान के पड़ने के बाद में फिर आप उसको ट्रीट करने के लिए सोचेंगे, तो ऐसा काम ही क्यों करना है। जब भी एक्ने पिंपल की कोई समस्या हो, तो आप उसको ट्रीट करने की सोचिए ना, आप उसके ऊपर का वर्क करेंगे अगर, तो ऑब्वियस सी बात है आपको आगे कुछ भी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होंगी, आगे आपको कोई भी और टेंशन नहीं होगी। आपकी जो प्रॉब्लम है एक्ने पिंपल वाली, वो वहीं पे सबसाइड हो जाएगी। इन फ्यूचर आपका स्किन का टेक्सचर खराब नहीं होगा, अन ईवन स्किन टोन जैसी कोई भी चीज़ नहीं आएगी आपके साथ में। सेकेंड, किसी भी तरीके का अगर स्कार है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, स्कार को रिमूव करने के लिए या डल करने के लिए, लाइटन अप करने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। जिस ब्रांड का जो सा प्रोडक्ट आपके स्किन के हिसाब से सूट करता हो, आपके बजट के हिसाब से सूट करता हो, जो आपको लगे कि आपके लिए सही है, डेफिनेटली आपको यूज़ करना चाहिए है। लेकिन रेगुलर बेसिस पे यूज़ करिए थोड़े लंबे समय तक, जिससे कि आपके स्कार साइंस जो हैं वो हाइड हो सकें, डल हो सके, डेफिनेटली तभी आपको वो हेल्पफुल होंगे। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम होती है, वो होती है ड्राइनेस की। कभी भी अगर हमारे फेस पर ड्राइनेस हो रही है और आपने उसको हाइड्रेटेड प्रॉपर नहीं किया, मॉइस्चराइज नहीं किया, तो डेफिनेटली वो लॉन्ग टर्म में जाकर के आपके लिए एजिंग साइंस का कारण बन सकती है। रिंकल्स आ सकते हैं, फाइन लाइंस आ सकती हैं, जिसकी वजह से आपका जो स्किन टोन है वो इवन नहीं रहेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है ड्राइनेस को दूर करना, क्योंकि ड्राइनेस, ओवर ड्राइनेस की वजह से भी अन ईवन स्किन टोन होती है, रिंकल्स की वजह से भी होती है, फाइन लाइंस की वजह से भी होती है। तो बहुत ज़रूरी है इन सारी छोटी छोटी सी चीज़ों को रिमूव करना। डेली बेसिस पे अगर आप प्रॉपर तरीके से अपना मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन या नाइट स्किन केयर रूटीन करेंगे, तो डेफिनेटली आपको इस चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। किस तरीके से करना है ये दोनों स्किन केयर रूटीन, मैंने मेरे चैनल पे ऑलरेडी बताया हुआ है। अगर अब तक आपने चेकआउट नहीं किया है, तो उसे जाकर के जरूर से चेकआउट करिए, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, बिल्कुल से देख लीजिएगा, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। लास्ट जो प्रॉब्लम है, जिसे अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, वो है लार्ज पोर्स की। जी हाँ, एज के साथ में, बढ़ती उम्र के साथ में जो ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होती है, पोर्स एनलार्ज होने लग जाते हैं, उनको ट्रीट करना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर उस पर आपने सही तरीके से सही समय पर ध्यान नहीं दिया, तो डेफिनेटली वो भी आपके अन ईवन स्किन टोन का एक बहुत बड़ा कारण हो सकती है। सो डेफिनेटली ये कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें थी जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए है, और अगर आप ऐसा करेंगे, तो डेफिनेटली आपकी स्किन भी अन ईवन नहीं होगी, ईवन रहेगी, फ्लॉलेस रहेगी। अच्छे तरीके से आप स्किन केयर करिए, हेल्दी डाइट लीजिए, ढेर सारा पानी पीजिए, और स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश करिए, डेफिनेटली आपकी स्किन नेचुरली ग्लो करेगी। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। जरा सा भी पसंद आया हो, तो इसे लाइक जरूर से कर दीजिएगा। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।